जी, वोटिंग परसेंटेज जो हम देख रहे हैं पिछले तीन चरणों का भी अगर एक मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो उत्तर प्रदेश में कम मतदान इस बार हो रहा है। मध्य प्रदेश में आज सुबह 9 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 14% तक पहुंच गया, यानी सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है इस बार वो अभी तक मध्य प्रदेश में देखी गई है 9 बजे तक के आंकड़े में। हालांकि अभी और आंकड़ा बढ़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में कम क्यों हो रही है वोटिंग और ये क्या दिखाता है? नहीं, उत्तर प्रदेश में वोटिंग कम हो रही है, मगर आपको पिछले चार चुनावों के आंकड़े निकाल के देखने पड़े और देखना पड़ेगा उसके कंपैरिजन में कितना है। हाँ, 2019 से काफी कम है जी। ये बात को हम मान के चले, और ये कम होने की दो चार वजह है। एक तो लोगों का निरुत्साह, और जब दोनों तरफ के लोग निरुत्साह होके बाहर नहीं निकलते तब ये स्थिति होती, और यही दोनों तरफ हो रहा है ऐसा दिख रहा है। जो सीटों के ऊपर 50% से ज्यादा हुआ है वहां तो बात अलग है, मगर 50% से कम वाली भी सीटें हैं वहां पर स्थिति बहुत चिंताजनक है, क्योंकि सत्ताधारी पक्ष जो जीतने वाले हैं वो बैठे हुए हैं कि हाँ हम तो जीत ही जाएंगे ना, और जो विपक्ष है वो विपक्ष इतना हतोत्साह हो चुका है कि वो अपने कैडर को भी गैल्वेनाइज नहीं कर पा रहा, उसकी कैडर भी बाहर निकल के वोट नहीं दे रही, क्योंकि बोलते हैं हमें तो नतीजा तो पता है, वोट डाल के क्या करना। तो ये एक कारण जो है, उसके साथ में जब आप 41-42 डिग्री की गर्मी देख ले तो लोग घर में सोना ज्यादा पसंद करते हैं बाहर आके दो दो घंटे कतारों में खड़े रहने के जगह पे। तो ये चीज मुझे होती हुई दिख रही है, और चौथे फेज में भी आप देखेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी कि आप अगर इस वक्त के ही तीनों फेज को कंपेयर कर ले, सुबह दो घंटे का मतदान, उसके बाद के दो घंटे का मतदान, और 11 बजे के बाद 12:30 एक बजे तक तो ठीक है, मगर 1 से 4 के बीच का जो मतदान है वो एकदम कम हो जाता है। उसकी वजह यही है, मेरा तो ये स्पष्ट रूप से मानना है कि जो जो राज्यों के अंदर पॉलिटिकल कैडर्स होती है, हर एक राजकीय पार्टी की, क्या भाजपा की एक कैडर होती है, समाजवादी पार्टी की होती है, राष्ट्रीय जनता दल की होती है, वो जो कैडर है वो कैडर जाके सुबह में वोट डाल देंगे। ठीक है सर, यानी कि आप गर्मी को इसके पीछे की एक वजह, बड़ी वजह मान रहे हैं कि इस बार वोटिंग परसेंटेज उस तरह से नहीं देखने को मिल रहा है। और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, संतोष जी भी हमारे साथ हैं, चांदनी प्रीति शाह जी भी हैं। चांदनी प्रीति शाह जी, चूंकि आप अभी जुड़ी हैं, लेकिन इससे पहले हमने नॉर्थ का जिक्र किया, नॉर्थ इंडिया का, साउथ इंडिया का भी हमने जिक्र किया, मैं चाहूंगी कि आप जम्मू कश्मीर पर अपना कमेंट दें। जम्मू कश्मीर से 5 सीटें आती हैं, एक सीट पर श्रीनगर की आज वोटिंग हो रही है, बीजेपी ने यहाँ पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, जम्मू कश्मीर के चुनावों पर आपका कॉमेंट है। ऐसा मेरा मानना है कि आज जो वोटिंग हो रही है श्रीनगर पे, आई थिंक यू नो इट्स अ टफ कॉम्पिटिशन, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो सीटें हैं एक्चुअली वहाँ पे मुझे ये लगता है कि बीजेपी को थोड़ा सा टफ है जीतना बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफी, लेकिन फिर भी एक लेके हम चल सकते हैं कि बिकॉज हम जो पीओके में भी देख रहे हैं कि जो दो दिन से चल रहा है और किस तरीके से थोड़ा सा एक बदलाव का यू नो नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। हिमांशु जी कुछ बोलना, तो उस हिसाब से हिमांशु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते। जम्मू कश्मीर 2019 पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब वहां पर 13% 13%